हेलो दोस्तों, नमस्कार। कोटा कैरियर पॉइंट स्कूल द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, 10th क्लास SST के अंदर हम हिस्ट्री का पहला जो चैप्टर पढ़ रहे थे, स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक, जिसका भाग 5 है आज, जिसके अंतर्गत हम मौर्य वंश के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था। अब आज हम इस वीडियो के अंतर्गत मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे कि मौर्य काल में या मौर्य साम्राज्य में वहां की शासन व्यवस्था कैसी थी। तो देखिए, मौर्य प्रशासन के अंतर्गत भारत में पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई थी। कब? मौर्य काल में भारत में पहली बार कौन सी शासन व्यवस्था की स्थापना हुई? केंद्रीकृत। देखो, शासन के दो रूप होते हैं, एक तो होता है केंद्रीकृत और एक होता है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब तो केंद्रीकृत का या केंद्रीकरण का मतलब तो क्या होता है? जब शासन एक ही व्यक्ति के अधीन हो, एक ही सरकार होती है या एक ही व्यक्ति के अधीन होती है, उसको तो क्या कहते हैं? केंद्रीकृत। और विकेंद्रीकृत का मतलब क्या होता है? शासन या सत्ता का क्या कर देना? बंटवारा कर देना। बंटवारे करने को क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण। जैसे वर्तमान में हमारा जो भारत देश है, इसके अंतर्गत 3 प्रकार की शासन व्यवस्था चलती है। केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार है, राज्य स्तर पर राज्य सरकार है, और स्थानीय स्तर पर सामुदायिक सरकार का क्या किया गया है? गठन किया गया है। तो इस प्रकार केंद्रीकृत में क्या होता है? राजा ही शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था, राजा ही प्रमुख होता था, राजा ही शासन का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। और विकेंद्रीकरण में क्या होता है? शासन का बंटवारा कर दिया जाता है। तो मौर्य काल में भारत में पहली बार कौन सी शासन व्यवस्था की स्थापना हुई? केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। इसका मतलब है मौर्य काल में राजा ही शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था, सम्राट या राजा ही शासन का क्या होता था? सर्वोच्च अधिकारी होता था। फिर भी राजा निरंकुश नहीं होता था, राजा ही सबसे बड़ा अधिकारी होता था, लेकिन फिर भी राजा क्या नहीं होता था? निरंकुश नहीं होता था, राजा अपनी मनमानी नहीं करता था। मौर्य काल के प्रशासन में कौटिल्य ने, कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था, जिसका वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त चाणक्य, कौटिल्य भी कह सकते हैं, चाणक्य भी कह सकते हैं, इस कौटिल्य या चाणक्य ने मौर्य काल में राज्य के 7 अंग बताए थे। राज्य के कितने अंग बताए थे? 7 अंग। किसने? कौटिल्य या चाणक्य ने राज्य के 7 अंग बताए थे। वो 7 अंग कौन कौन से थे? देखो, पहला था राजा, दूसरा था अमात्य, तीसरा था जनपद, चौथा था दुर्ग, पांचवा था कोष, छठा था सेना, और 7वां अंग था मित्र। ये कौटिल्य या चाणक्य ने मौर्य कालीन प्रशासन में राज्य के कितने अंग बताए थे? 7। पहला अंग कौन सा था? राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोष, छठा सेना, 7वां मित्र। ये कौटिल्य या चाणक्य ने राज्य के क्या बताए थे? 7 अंग बताए थे। इसके अलावा मौर्य कालीन प्रशासन में राजा द्वारा मुख्यमंत्री या पुरोहित की नियुक्ति, मुख्यमंत्री या पुरोहित की नियुक्ति उसके चरित्र की भली भांति जांच करके की जाती थी, जिसको उपदा परीक्षण कहा जाता था।
उपदा परीक्षण। उपदा परीक्षण किसे कहते थे मौर्य कालीन प्रशासन में, कि जब राजा द्वारा मुख्यमंत्री या पुरोहित की नियुक्ति उसके चरित्र को देखकर चरित्र की भली भांति जांच करके की जाती थी, इस क्रिया को या इस प्रक्रिया को मौर्य कालीन प्रशासन में क्या कहते थे, उपदा परीक्षण कहा जाता था। तो मौर्य कालीन प्रशासन में मुख्यमंत्री या पुरोहित की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी, राजा द्वारा की जाती थी। कैसे की जाती थी, व्यक्ति के चरित्र की, कि उसका चरित्र कैसा है, चरित्र की भली भांति जांच करके की जाती थी। और इस क्रिया को क्या कहते थे, इस क्रिया या प्रक्रिया को उपदा परीक्षण कहा जाता था। इसके अलावा मौर्य कालीन प्रशासन में एक परिसा नामक मंत्री परिषद भी होती थी। मौर्य कालीन प्रशासन में जो मंत्री परिषद होती थी, उस मंत्री परिषद का नाम क्या था, परिसा नामक क्या होती थी, मंत्री परिषद होती थी, जो समय समय पर राजा का या सम्राट का विभिन्न कार्यों में क्या करती थी, सहयोग करती थी, समय समय पर राजा या सम्राट को सलाह देने का काम करती थी। कौन, मंत्री परिषद, जिसका नाम क्या था, परिसा। आप देखो मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन, मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन, तो देखो मौर्य काल के केंद्रीय प्रशासन में कौटिल्य की जो पुस्तक थी, कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी, अर्थशास्त्र। ये एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, अर्थशास्त्र का रचयिता कौन था, चाणक्य या कौटिल्य। उसकी, कौटिल्य की पुस्तक थी अर्थशास्त्र, उसमें मौर्य काल के केंद्रीय प्रशासन में 18 विभागों का उल्लेख मिलता है। कितने विभागों का, 18 विभागों का क्या मिलता है, उल्लेख। और इन 18 विभागों को क्या कहा जाता था, तीर्थ। मौर्य काल के केंद्रीय प्रशासन में कौटिल्य की जो पुस्तक थी, कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या था, अर्थशास्त्र। उससे जानकारी मिलती है कि मौर्य काल के केंद्रीय प्रशासन में कुल 18 विभाग थे। कितने विभाग थे, 18 विभागों की जानकारी मिलती है। उन 18 विभागों को क्या कहते थे, तीर्थ। और इस तीर्थ का जो अध्यक्ष होता था, तीर्थ का अध्यक्ष है, उसको कहते थे महामातर। तीर्थ का अध्यक्ष क्या कहलाता था, महामातर। तो 18 विभाग, 18 विभागों को क्या कहते थे, तीर्थ। और तीर्थ का अध्यक्ष क्या कहलाता था, महामातर। तो टोटल तीर्थ कितने हो गए, 18 विभाग थे, तो 18 ही क्या हो गए, तीर्थ हो गए। लेकिन इनमें से केवल 4 ही तीर्थ महत्वपूर्ण थे। 4 ही तीर्थ क्या थे, महत्वपूर्ण। और वो 4 तीर्थ कौन कौन से थे, एक तो था मंत्री, एक था पुरोहित, एक सेनापति और एक विवराज। ये 4 तीर्थ ही महत्वपूर्ण माने जाते थे। कौन कौन से, मंत्री, पुरोहित, सेनापति और विवराज। तो देखिए मौर्य काल का केंद्रीय जो प्रशासन है, उसमें कौटिल्य की जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र, उसमें कितने विभागों का उल्लेख मिलता है, 18 विभागों का उल्लेख मिलते हैं। यानी कितने विभाग थे, 18 विभाग थे। उन 18 विभागों को क्या कहा जाता था, तीर्थ कहा जाता था। तीर्थ का अध्यक्ष क्या कहलाता था, महामातर। तीर्थ के अध्यक्ष को क्या कहते थे, महामातर। और 18 विभाग थे, इसका मतलब तीर्थ भी कितने हो गए, 18 ही तीर्थ हो गए। उनमें से कितने तीर्थ महत्वपूर्ण थे, यानी कितने विभाग महत्वपूर्ण थे, केवल 4 ही विभाग महत्वपूर्ण माने जाते थे। और वो 4 विभाग कौन कौन से थे, मंत्री, पुरोहित, सेनापति और विवराज। आप देखो मौर्य काल के केंद्रीय प्रशासन में एक अधिकारी होता था जिसका नाम था समाहर्ता। ये समाहर्ता जो अधिकारी था, इसके प्रमुख कार्य क्या थे,
मौर्य काल के केंद्रीय प्रशासन में ही एक अधिकारी होता था जिसका नाम क्या था? समाहर्ता अधिकारी। इसके प्रमुख कार्य क्या थे? इसके प्रमुख तीन कार्य थे। देखो, पहला इसका कार्य था राजस्व एकत्रित करना, दूसरा इसका कार्य था आय व्यय का ब्यौरा रखना, और तीसरा इसका कार्य था वार्षिक बजट तैयार करना। तो ये मौर्य काल के केंद्रीय प्रशासन में जो समाहर्ता नामक अधिकारी होता था, ये इसके प्रमुख कार्य थे। देखो, ये भी एक नंबर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समाहर्ता नामक अधिकारी के प्रमुख कार्य बताइए। तो इसका पहला कार्य क्या था? राजस्व एकत्रित करना, यानी मौर्य काल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के करों को एकत्रित करना। दूसरा इसका काम क्या था? आय व्यय का ब्यौरा रखना, यानी कितनी आय हुई, कितना खर्च हुआ, उसका हिसाब किताब रखना। और तीसरा, वार्षिक बजट तैयार करना, यानी पूरे वर्ष का बजट तैयार करना, किस किस क्षेत्र में कहाँ कहाँ कितने कितने पैसे खर्च करने हैं, इसकी प्लानिंग तैयार करना, इसकी पूरी योजना तैयार करना। ये समाहर्ता नामक अधिकारी के प्रमुख कार्य थे। ऐसे देखिए, मौर्य काल के केंद्रीय प्रशासन में एक सन्निधाता नामक अधिकारी भी होता था। इस सन्निधाता को कोषाध्यक्ष भी कहते थे। सन्निधाता को ही क्या कहते थे? कोषाध्यक्ष। और इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था साम्राज्य के विभिन्न भागों में कोष गृह और अन्नानागार बनवाना। यानी मौर्य काल के केंद्रीय प्रशासन में सन्निधाता नामक जो अधिकारी होता था, जिसको क्या कहते थे? कोषाध्यक्ष। क्या कहते थे? कोषाध्यक्ष। इसका प्रमुख काम क्या था? कि साम्राज्य की विभिन्न जो भाग है या अलग अलग जो क्षेत्र है, उनमें कोष गृह का निर्माण करवाना, और अन्नानागार यानी अनाज के जो भंडार होते थे, अनाज रखने के कक्षों का क्या करवाना? निर्माण करवाना। कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में ऐसे 26 विभाग का अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। यानी जैसे सन्निदाता या कोषाध्यक्ष जो विभाग होता था या जो अधिकारी होता था, ऐसे ही संपूर्ण जो मगध साम्राज्य था, उस मगध साम्राज्य में कुल कितने विभाग थे? 26 विभाग थे। 26 विभागों के अलग अलग क्या होते थे? अध्यक्ष या अधिकारी होते थे। और ये जानकारी किससे मिलती है? कौटिल्य की जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र, उसमें मिलती है। जैसे ये कोषाध्यक्ष था, वैसे ही सीता अध्यक्ष होता था, जो कृषि विभाग का अधिकारी होता था। इसके अलावा लूणा अध्यक्ष होता था, पणैया अध्यक्ष होता था, मुद्रा अध्यक्ष होता था, जो मुद्रा जारी करने का अधिकारी होता था, बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था, उसको लूणा अध्यक्ष कहते थे। इसके अलावा विविधता अध्यक्ष होता था, जो चारागाहों का अध्यक्ष होता था। इसके अलावा आठवीं होता था, जो वन विभाग का अधिकारी होता था। ऐसे अलग अलग कुल कितने थे? 26 विभाग का अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। किसमें? कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में। तो ये तो हुआ मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन। और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2018 के अंतर्गत आया हुआ भी है कि मौर्य काल के केंद्रीय प्रशासन के बारे में बताइए। आप देखिए, मौर्य काल में प्रांतीय प्रशासन, मौर्य काल में
प्रांतीय प्रशासन यानी मौर्य काल में प्रांतों में शासन व्यवस्था कैसी थी। तो देखिए मौर्य काल में सम्राट अशोक के समय, किसके समय, सम्राट अशोक जो बिंदुसार का पुत्र था, सम्राट अशोक जिसने 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य पर क्या किया था, शासन। सम्राट अशोक के शासन काल में मगध जो साम्राज्य था, इस मगध साम्राज्य में पांच प्रांतों का उल्लेख मिलता है, यानी कुल कितने प्रांत थे, पांच प्रांत। यानी सम्राट अशोक के समय मगध जो साम्राज्य है वो पांच प्रांतों में बटा हुआ था। अब देखो वो पांच प्रांत कौन कौन से थे। पहला प्रांत था उत्तरापथ, दूसरा प्रांत था दक्षिणापथ, और तीसरा जो प्रांत था उसका नाम था अवंती राष्ट्र, चौथा जो प्रांत था उसका नाम था कलिंग, और पांचवा जो प्रांत था उसका नाम था प्राची या मध्य देश। ये मगध साम्राज्य में कुल पांच प्रांत थे, किसके समय, सम्राट अशोक के समय। उत्तरापत है, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। दक्षिणापत है, इसकी राजधानी थी स्वर्णगिरी। अवंती राष्ट्र, इसकी राजधानी थी उज्जैनी। कलिंग, इसकी राजधानी थी तोसली। प्राच्य या जो मध्य देश है, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। यानी ये मगध साम्राज्य सम्राट अशोक के समय इन पांच प्रांतों में बटा हुआ था। उत्तरापद, उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला। दक्षिणापद, इसकी राजधानी स्वर्णगिरी। अवंती राष्ट्र, इसकी राजधानी उज्जैनी। कलिंग, इसकी राजधानी तोसली। प्राच्य या मध्य देश, इसकी राजधानी कहां थी, पाटलिपुत्र। और इन प्रांतों में शासन करने वाला जो अधिकारी होता था वो अधिकारी कौन होता था, प्रांतों में शासन करने वाला अधिकारी है वो होता था राजवंशीय कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारी द्वारा प्रांतों पर क्या किया जाता था, शासन। तो देखिए मौर्य काल में प्रांतों में शासन करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था, राजवंशी कुमार या आर्यपुत्र नामक अधिकारी द्वारा प्रांतों में शासन किया जाता था। और ये प्रांत है ये विषयों में विभक्त थे, किसमें विभक्त थे, विषयों में। मौर्य काल में प्रांत किसमें विभक्त थे, विषयों में, जो विषयपतियों के अधीन होते थे। किसके अधीन होते थे, विषयपतियों के अधीन होते थे। और मौर्य काल के अंदर जिले का जो प्रशासनिक अधिकारी होता था, जैसे वर्तमान में जिले का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है उसको हम जिला कलेक्टर कहते हैं, वैसे ही मौर्य काल में जिले का जो प्रशासनिक अधिकारी होता था उसको स्थानीय कहा जाता था। मौर्य काल में जिले का प्रशासनिक जो अधिकारी होता था उसको क्या कहते थे, स्थानिक कहते थे। इसके अलावा मौर्य काल के प्रांतों में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होते थे। क्या होते थे, ग्राम। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होते थे, ग्राम। और गांव का या ग्राम का जो मुखिया होता था उस मुखिया को क्या कहते थे, गोप। गांव का मुखिया जो होता था, जैसे वर्तमान में गांव का जो मुखिया होता है उसको सरपंच कहते हैं, वैसे मौर्य काल के अंदर गांव का जो मुखिया होता था उसको क्या कहते थे, गोप। जो 10 गांव का शासन संभालता था, कितने गांव का, 10 गांव का शासन संभालता था। तो इस प्रकार मौर्य काल में प्रांतीय शासन व्यवस्था चलती थी, कि सम्राट अशोक के समय
संपूर्ण जो मगध साम्राज्य था उसमें 5 प्रांत थे, कौन कौन से? उत्तरापद, दक्षिणापद, अवंती राष्ट्र, कलिंग, प्राच्य या मध्य देश, उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापद की राजधानी स्वर्णगिरी, अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी, कलिंग की राजधानी तोसली, प्राच्य या मध्य देश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। प्रांतों में शासन करने वाला जो अधिकारी होता था वो कौन होता था? राजवंशी कुमार यानी राजा के वंश का ही कुमार या आर्यपुत्र नामक अधिकारी द्वारा शासन किया जाता था। प्रांत है वो विषयों में विभक्त थे जो विषय पतियों के अधीन होते थे। प्रांतों में जिलों का जो प्रशासनिक अधिकारी होता था उसको क्या कहते थे? स्थानिक कहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? ग्राम होती थी। गाँव का मुखिया क्या कहलाता था? गोप, जो कितने गाँव का शासन संभालता था? 10 गाँव का शासन संभालता था। अब इसके बाद में ये तो मौर्य काल का प्रांतीय प्रशासन हुआ। अब देखिए मौर्य काल में नगर शासन यानी नगरों में शासन व्यवस्था कैसी थी, नगरों में शासन कैसे किया जाता था? तो देखिए हमने जब चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा था तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत आया था मेक्सथनीज, जिसका नाम क्या था? मेक्सथनीज, जिसको सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। किसको? मेक्सथनीज को। इस मेक्सथनीज ने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। मेक्सथनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका, जिसमें मौर्य काल के बारे में, मौर्य काल के केंद्रीय प्रशासन या मौर्य कालीन जो समाज है उसके बारे में, यानी कुल मिलाकर मौर्य कालीन प्रशासन की जानकारी इस पुस्तक से हमें मिलती है। कौन सी पुस्तक से? इंडिका से, जिसका लेखक या रचयिता कौन था? मेक्सथनीज। और मेक्सथनीज कौन था? मेक्सथनीज है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला एक यूनानी राजदूत था, जिसको किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। क्योंकि सेल्यूकस निकेटर है वो लगभग 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य से क्या हो गया था? पराजित हो गया था। तो मेक्सथनीज की पुस्तक है इंडिका। इस इंडिका से ये जानकारी मिलती है कि मौर्य काल में नगरों में जो शासन व्यवस्था है वो एक 30 सदस्यों द्वारा, 30 सदस्यों वाले मंडल द्वारा या समूह द्वारा मौर्य काल में नगरों में शासन व्यवस्था की जाती थी। किसके द्वारा की जाती थी? 30 सदस्यों वाले एक मंडल द्वारा मौर्य काल में नगरों में शासन व्यवस्था का प्रबंध किया जाता था, जिसमें 6 समितियां होती थी। कितनी समितियां होती थी? 6 समितियां। और 6 जो समितियां होती थी उसमें से प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य। 30 सदस्यों वाला मंडल या समूह होता था जो कितनी समितियों में बटा हुआ था? 6 समितियों में बटा हुआ था, 6 समितियों में विभक्त था। और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? प्रत्येक समिति के अंतर्गत 5 सदस्य होते थे। आप देखो ये नगरों में शासन करने वाली 6 समितियां कौन कौन सी होती थी? प्रथम जो समिति होती थी इसका काम क्या होता था? इसका काम होता था उद्योगों व शिल्पों का निरीक्षण करना। द्वितीय जो समिति होती थी, द्वितीय समिति का कार्य होता था विदेशियों की देखरेख करना, विदेशी यानी बाहर से आने वाले लोगों की देखरेख करना। तृतीय जो समिति होती थी इसका काम क्या था? इसका काम था
जन्म मरण का लेखा जोखा रखना, यानी कितने बच्चों का जन्म हुआ, कितने लोगों की मृत्यु हुई, इसका रिकॉर्ड रखना, लेखा जोखा रखना, ये काम किसका था? तृतीय समिति का। चतुर्थ समिति, चतुर्थ जो समिति थी इसका काम था व्यापार व वाणिज्य को देखना। कौन सी समिति? चतुर्थ जो समिति थी उसका काम क्या था? व्यापार व वाणिज्य को देखना। व्यापार और व्यापार की सहायक जो गतिविधियां हैं वो वाणिज्य के अंतर्गत आती है, उनकी जानकारी रखना, उनकी देखभाल करना। और पांचवी जो समिति थी, इस पांचवी समिति का कार्य क्या था? निर्मित वस्तुओं के विक्रय मूल्य का निरीक्षण करना, यानी उद्योगों में जो वस्तुएं तैयार होती थी, जो वस्तुएं बनती थी, उनका विक्रय मूल्य, यानी जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसको क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। उस विक्रय मूल्य का क्या करना? निरीक्षण करना। छठी समिति, छठी समिति का काम क्या होता था? विक्रय मूल्य का दसवां भाग बिक्री कर के रूप में वसूलना, यानी जो वस्तु जितने रुपए में बेची जाती थी उसके विक्रय मूल्य का दसवां भाग किस रूप में वसूलना? बिक्री कर के रूप में वसूलना। मान लो कोई वस्तु 100 रुपए में बेची जा रही है तो उसका दसवां भाग कितना होगा? 10 रुपए होगा। तो वो 10 रुपए बिक्री कर के रूप में वसूलती थी। कौन सी समिति वसूलती थी? छठी समिति। ये छठी समिति का कार्य था। तो इस प्रकार मौर्य काल में नगर जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी कि मौर्य काल में मेक्सनीज की जो पुस्तक है इंडिका, उससे ये जानकारी मिलती है कि नगरों में शासन व्यवस्था 31 सदस्यों वाले मंडल या समूह द्वारा नगरों में शासन किया जाता था। वही ये 30 सदस्यों वाला मंडल ही नगरों में शासन का प्रबंध करता था, जो 6 समितियों में विभक्त था। कितनी समितियों में बटा हुआ था? 6 समिति में। प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? 5। यानी एक समिति में कितने सदस्य है? 5। तो 6 समितियों में कुल कितने सदस्य हो गए? 30 सदस्य हो गए। 6 समितियां कौन कौन सी थी? प्रथम समिति, इसका काम क्या था? उद्योगों व शिल्पों का निरीक्षण करना। द्वितीय समिति, इसका काम विदेशियों की देखरेख करना। तृतीय समिति, जन्म मरण का लेखा जोखा करना। चतुर्थ समिति, व्यापार व वाणिज्य को देखना, यानी व्यापार से संबंधित गतिविधियों को देखना। पांचवी समिति, निर्मित वस्तु, यानी जो उद्योगों में वस्तुएं बनती थी उसके विक्रय मूल्य का निरीक्षण करना, यानी ज्यादा रुपए में तो वस्तुएं नहीं बेची जा रही है। छठी समिति, इसका कार्य था विक्रय मूल्य का दसवां भाग है वो बिक्री करके रूप में वसूलना। इस प्रकार मौर्य काल में नगरों की शासन व्यवस्था थी। आप देखिए मौर्य काल में सैन्य व्यवस्था, यानी मौर्य काल में सेना की व्यवस्था किस प्रकार थी? तो देखिए मौर्य काल में सेना के संगठन हेतु सेना का अलग से सैन्य विभाग होता था,
क्या होता था? सेना का संगठन, सेना रखने के लिए मौर्य काल में सेना का अलग से क्या होता था? सैन्य विभाग होता था। और इस सैन्य विभाग में भी छह समितियां होती थी। सैन्य विभाग में भी कितनी समितियां होती थी? छह समितियां। और इसमें भी प्रत्येक समिति में पांच सदस्य होते थे। मौर्य काल के सैन्य विभाग में कितनी समितियां होती थी? छह समितियां होती थी। प्रत्येक समिति यानी एक समिति में कितने सदस्य होते थे? पांच सदस्य होते थे। और ये छह जो समितियां थी वो सेना के पांच विभागों की देखरेख करती थी। यानी मौर्य काल में सेना के कितने विभाग थे? पांच विभाग। यानी पांच प्रकार की सेना थी मौर्य काल में। पांच विभाग थे सेना के, या पांच प्रकार की सेना थी। कौन कौन सी थी? देखो, पहली थी पैदल सेना, पैदल चलने वाली पैदल सेना। दूसरी थी अश्व सेना यानी घोड़ों की सेना। तीसरी थी हाथी सेना यानी हाथियों की सेना। चौथी थी रथ सेना यानी रथों वाली सेना। और पांचवी थी नौसेना यानी जल के अंदर, समुद्र के अंदर युद्ध करने वाली नौसेना, जिसको हम नेवी कहते हैं। तो ये मौर्य काल में सेना के पांच विभाग थे। कितने विभाग थे? पांच। यानी मौर्य काल में पांच प्रकार की सेना थी, पैदल सेना, अश्व सेना, हाथी सेना, रथ सेना और नौसेना। ये सैन्य विभाग में जो छह समितियां होती थी, ये छह समितियां सेना के इन पांचों विभागों की क्या करती थी? देखरेख करती थी। और मौर्य काल में सैनिकों का प्रबंध या देखरेख करने वाला जो सर्वोच्च अधिकारी होता था, उस सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते थे? अंतपाल कहते थे। क्या कहते थे? अंतपाल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य काल में सैनिकों का प्रबंध या देखरेख करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? अंतपाल। क्या कहते थे उसको? अंतपाल। आप देखिए, मैक्सनीज की जो पुस्तक है इंडिका, उससे ये जानकारी मिलती है या उसमें ये उल्लेख मिलता है कि मौर्य वंश का जो संस्थापक या जो प्रथम शासक था, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पास में बहुत बड़ी सेना थी, बहुत बड़ी विशाल सेना थी। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास में 6 लाख तो पैदल सैनिक थे, 50,000 उसके पास में अश्व सेना थी यानी घोड़ों की सेना थी, 9,000 उसके पास में हाथियों की सेना थी, हाथी सेना थी, और 800 उसके पास में क्या थी? रथों वाली विशाल सेना थी। इतनी बड़ी सेना थी किसके पास में? चंद्रगुप्त मौर्य के पास में। 6 लाख तो क्या थी? पैदल सेना, 50,000 अश्व सेना यानी 50,000 घोड़ों की सेना, 9,000 हाथियों की सेना और 800 रथों वाली विशाल सेना चंद्रगुप्त मौर्य के पास में थी। अब उसके बाद में देखिए, मौर्य काल में न्याय व्यवस्था यानी मौर्य काल में न्याय करने की व्यवस्था क्या थी? जो अपराधी होते थे उन अपराधियों को दंड देने की क्या व्यवस्था थी? तो देखिए, मौर्य काल में न्याय विभाग का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था, न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी है वो
राजा या सम्राट ही होता था। कौन होता था? राजा या सम्राट। राजा या सम्राट ही सबसे बड़ा न्यायाधीश या न्याय विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। इसके अलावा मौर्य काल में न्याय व्यवस्था में निचले स्तर पर, सबसे निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय होते थे। गांव के अंदर क्या होते थे? ग्राम न्यायालय होते थे। और इन ग्राम न्यायालयों में ग्रामणी या ग्रामवर्द फैसला या निर्णय सुनाते थे। सबसे निचले स्तर पर कौन से न्यायालय होते थे? ग्राम न्यायालय होते थे। और उन ग्राम न्यायालयों में निर्णय या विवादों की सुनवाई कौन करते थे? ग्रामणी, जो गांव का मुखिया होता था, या फिर ग्रामवर्द, यानी गांव में जो सबसे वर्द लोग होते थे, बूढ़े लोग होते थे, वो विवादों की सुनवाई करते थे या फैसला या निर्णय सुनाते थे। फिर इन ग्राम न्यायालयों के ऊपर संग्रहण, द्रोणमुख, जनपद और स्थानीय स्तर के न्यायालय होते थे। ग्राम न्यायालयों के ऊपर कौन कौन से न्यायालय होते थे? चार न्यायालय होते थे, संग्रहण, द्रोणमुख, जनपद न्यायालय और स्थानीय न्यायालय। और इन सब के ऊपर मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी कौन सी? पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय होता था। पाटलिपुत्र का ये जो ग्राम न्यायालय और ये जो संग्रहण, द्रोणमुख, जनपद और स्थानीय स्तर के जो न्यायालय होते थे, इनके ऊपर कौन सा न्यायालय था? पाटलिपुत्र में स्थित न्यायालय था, जो केंद्रीय न्यायालय कहलाता था। और सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन होता था? राजा या सम्राट। इन सब के अलावा मौर्य काल में दो और न्यायालय होते थे, विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई करने के लिए दो और न्यायालय होते थे। कौन कौन से? एक तो होता था धर्मस्थायी न्यायालय और एक था कंटक शोधन न्यायालय। एक तो धर्मस्थायी न्यायालय और एक कंटक शोधन न्यायालय। धर्मस्थायी जो न्यायालय होता था इन धर्मस्थायी न्यायालयों को कहा जाता था दीवानी अदालतें। इनको क्या कहते थे? दीवानी अदालतें। और कंटक शोधन जो न्यायालय होते थे इनको कहते थे फौजदारी अदालतें। धर्मस्थायी न्यायालय को तो क्या कहते थे? दीवानी अदालतें कहा जाता था। और कंटक शोधन जो न्यायालय होते थे इनको क्या कहते थे? फौजदारी अदालतें। धर्मस्थायी न्यायालय या दीवानी जो अदालतें होती थी इसमें तीन धर्मस्थ और तीन अमात्य, तीन धर्मस्थ और तीन अमात्य निर्णय या फैसला सुनाते थे या विवादों की सुनवाई करते थे। धर्मस्थ जो धर्म शास्त्र में निपुण होते थे, अमात्य जो राजा का प्रधानमंत्री होता था, राजा के बाद में दूसरा सबसे बड़ा पद होता था किसका? अमात्य का। फौजदारी अदालतें, इसके अंतर्गत तीन प्रदेष्ट्री नामक अधिकारी और तीन अमात्य ये मिलकर फैसला सुनाते थे या विवादों की सुनवाई होती थी। दीवानी जो अदालतें होती है इसमें कौन से विवादों की सुनवाई होती थी? इनमें चोरी, लूटपाट, डकैती, मानहानि,
मारपीट इनसे संबंधित कोई विवाद होता था, चोरी, लूटपाट, डकैती, मानहानि, कुवचन, मारपीट, इन सब की सुनवाई किसमें होती थी? दीवानी अदालतें या धर्मस्थायी न्यायालयों में होती थी। और कंटक शोधन या फौजदारी जो अदालतें होती थी, इनके अंदर होती थी करों से संबंधित विवादों की सुनवाई। जैसे मान लो कोई समय पर कर नहीं दे पाता था, कर नहीं चुका पाता था, या कर कम देता था, ऐसे जो विवाद होते थे उन विवादों की सुनवाई कौन से न्यायालयों में होती थी? कंटक शोधन न्यायालय या फौजदारी जो अदालतें, कंटक शोधन न्यायालय को फौजदारी अदालतें कहते थे, इनमें इनकी सुनवाई होती थी। तो इस प्रकार मौर्य काल में न्याय व्यवस्था थी कि मौर्य काल में न्याय विभाग का सर्वोच्च जो अधिकारी है वो कौन होता था? राजा या सम्राट ही होता था। सबसे निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय होते थे जिनमें ग्रामीण या ग्रामवर्त फैसला या निर्णय सुनाते थे। ग्राम न्यायालयों के ऊपर संग्रहण, द्रोणमुख, जनपद और स्थानीय स्तर के न्यायालय होते थे। और सबसे ऊपर होता था वो पाटलिपुत्र में केंद्रीय न्यायालय होता था। इनके अलावा दो और न्यायालय होते थे, धर्मस्थायी न्यायालय जिनको दीवानी अदालतें कहा जाता था, कंटक शोधन न्यायालय जिनको फौजदारी अदालतें कहा जाता था। दीवानी अदालतों में या धर्मस्थायी न्यायालयों में तीन धर्मस्थ और तीन अमात्य मिलकर फैसला या निर्णय सुनाते थे। कौन से मामलों की सुनवाई होती थी? चोरी, लूटपाट, डकैती, मानहानि, कुवचन, मारपीट से संबंधित मामलों की सुनवाई होती थी। कंटक शोधन न्यायालय जिनको फौजदारी अदालतें कहते थे, इसमें तीन प्रदेष्ट्रि और तीन अमात्य मिलकर फैसला या निर्णय सुनाते थे। और इनमें इन न्यायालयों में करों से संबंधित विवादों की क्या होती थी? सुनवाई होती थी। इसके अलावा मौर्य काल के अंदर शहरों या नगरों के जो न्यायाधीश होते थे, नगरों के न्यायाधीश, उनको कहते थे व्यवहारिक महामात्र। मौर्य काल में नगर न्यायाधीश किस नाम से जाने जाते थे? व्यवहारिक महामात्र के नाम से जाने जाते थे। और मौर्य काल में जो जनपद न्यायाधीश होते थे, जनपद न्यायाधीश, उनको कहते थे राजुक। मौर्य काल में जनपद न्यायाधीश किस नाम से जाना जाता था? राजुको के नाम से या राजुक के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा मौर्य काल में कौटिल्य ने शासन के चार अंग बताए थे, शासन के चार अंग बताए थे। तो चरित्र, व्यवहार, धर्म। कौटिल्य ने शासन के चार अंग बताए थे, कौन कौन से? चरित्र, व्यवहार, धर्म और शासन। ये कानून के चार अंग बताए थे। कौटिल्य ने कानून के कितने अंग बताए थे? चार। चरित्र, व्यवहार, धर्म और शासन। तो इस प्रकार की मौर्य काल में न्याय व्यवस्था थी। अब उसके बाद में देखिए मौर्य कालीन समाज, मौर्य काल में समाज कैसा था। तो देखिए मौर्य कालीन समाज की जानकारी किससे प्राप्त होती है? कौटिल्य की जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, मैक्सनीज की पुस्तक इंडिका, और सम्राट अशोक के अभिलेखों से। किसे? अभिलेखों से। हमने पढ़ा था ना कि
कि सम्राट अशोक ऐसा शासक था जो अपनी जनता या प्रजा को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित करता था। तो इन सब से हमें मौर्यकालीन समाज की क्या मिलती है जानकारी, किस किस से? कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से, मैक्सनीज की पुस्तक इंडिका से, और अशोक के अभिलेखों से हमें मौर्यकालीन समाज की क्या मिलती है जानकारी। कौटिल्य ने मौर्य काल में समाज में चार वर्ण बताए थे, यानी कौटिल्य ने मौर्यकालीन समाज को चार वर्णों में विभाजित किया था, चार वर्णों में बांटा था, और वो चार वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये कौटिल्य ने मौर्यकालीन समाज में चार वर्ण बताए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आप देखिए मौर्यकालीन समाज में ये जो वर्ण व्यवस्था थी, ये वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित न होकर कर्म आधारित थी। यानी कहने का मतलब है कि मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था है वो कर्म पर आधारित थी, जो जैसा काम करता था उसका वैसा ही वर्ण माना जाता था। जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण में कौन से काम करने वाले लोग होते थे? जैसे मान लो कोई अध्ययन कर रहा है या अध्यापन का काम करवा रहा है, यज्ञ करने का काम कर रहा है, दान देने का काम कर रहा है, ऐसा जो काम करते थे उसका वर्ण क्या निर्धारित कर दिया गया? ब्राह्मण। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर, काम के आधार पर उसका वर्ण निर्धारित कर दिया गया। क्षत्रिय, इसमें कौन से काम करने वाले होते थे? जो सैनिक होते थे, युद्ध लड़ने का काम करते थे, उनका वर्ण क्या निर्धारित कर दिया गया? क्षत्रिय। जो व्यापार का काम करते थे, उद्योगों से संबंधित काम करते थे, खेती बाड़ी का काम करते थे, उसमें उनका कर्म क्या हो गया? उनको किसमें कौन सा वर्ण बना दिया गया? वैश्य। और जो दूसरों की सेवा करने का काम करते थे, या कहने का मतलब जो दास होते थे, उनका वर्ण क्या हो गया? शूद्र। क्या हो गया? शूद्र। इस प्रकार ये मौर्यकालीन जो समाज है वो चार वर्णों में बटा हुआ था, और ये वर्ण व्यवस्था है वो किसने दिया था? कौटिल्य ने। और वर्ण व्यवस्था है वो जन्म पर आधारित न होकर किस पर थी? कर्म आधारित थी। इसके अलावा मौर्यकालीन समाज को मैक्सनीज ने सात जातियों में विभक्त किया था। मैक्सनीज ने मौर्यकालीन समाज को कितनी जातियों में विभाजित किया था? सात जातियों में विभाजित किया था। और वो सात जातियां देखो कौन कौन सी थी। पहली थी दार्शनिक, दूसरी जाति थी किसान, तीसरी जाति थी वो थी पशुपालक व शिकारी, चौथी जाति थी कारीगर व शिल्पी, पांचवी जाति थी सैनिक, छठी जाति थी निरक्षक, और सातवीं जाति थी सपासद या अन्य शासक वर्ग। तो ये मौर्य काल में मैक्सनीज ने मौर्यकालीन समाज को कितनी जातियों में विभाजित किया था? सात जातियों में बांटा था, सात जातियों में विभाजित किया था, और वो सात जातियां कौन कौन सी थी? दार्शनिक, किसान, पशुपालक व शिकारी, कारीगर व शिल्पी, सैनिक, निरक्षक, सपासद या अन्य शासक वर्ग। ये सात जातियां बताई थी किसने? मैक्सनीज ने।
इसके अलावा मौर्यकालीन समाज में स्त्रियां जो महिलाएं थी उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, ठीक नहीं थी। फिर भी पहले की अपेक्षा, प्राचीन काल की अपेक्षा अगर देखा जाए तो मौर्यकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति ठीक थी, क्योंकि मौर्यकालीन समाज में महिलाओं को पुनर्विवाह और नियोग की अनुमति थी। महिलाओं को किसकी अनुमति थी? पुनर्विवाह वह नियोग की क्या थी? अनुमति। पुनर्विवाह का मतलब वापस विवाह करने की अनुमति थी, और नियोग का मतलब होता है जब किसी स्त्री या महिला के पति की क्या हो जाती थी? मृत्यु। मृत्यु होने के बाद में वो किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध स्थापित करके संतान उत्पन्न कर सकती थी, इसको क्या कहते थे? नियोग। तो इस प्रकार मौर्यकालीन समाज था। अब ये मौर्यकालीन प्रशासन समाज सब कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश के बाद में अगला शासन करने वाला जो वंश है वो है कौन सा है? शुंग वंश। शुंग वंश को हम अगले वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। धन्यवाद।